students, today we will discuss NCERT exercise of chapter motion. All the topics we have covered. So first question is, an athlete complete one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. Yani, when we are solving this, first one data what we are calculating, an athlete completes one round of diameter 200 meter. Its diameter is 200 meter, that this is center O, this is diameter AB, and time taken is 40 seconds. Yani time for one round is 40 seconds, and diameter, that is twice of radius, this is 200 meter. So ab nikalna kya hai, what will be distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 seconds. तो अब इसके लिए देखिए बेटा, जब हमें करना है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि यहाँ रेडियस नहीं दिया, तो रेडियस हम यहाँ से फाइंड करेंगे 200 बाय 2, दैट इज 100 मीटर. अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ टोटल टाइम है, दिस इज टोटल टाइम इज 2 minute 20 second. तो सबसे पहले इस टाइम को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2 into 60 + 20, दिस इज 140 second. टोटल टाइम हो गया 140 seconds. अब देखना है 140 seconds में सर्कुलर ट्रैक पर कितने राउंड हो सकते हैं, क्योंकि 40 seconds में वन राउंड होता है. तो 40 के मल्टीपल देखेंगे तो 80 seconds में 2 round, 120 seconds में 3 round, तो 20 मिनट्स बच जाएंगे. तो इसको निकालने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दैट नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड, कितना टोटल टाइम है उस टाइम में, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड विल बी टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम फॉर वन राउंड. व्हेन यू विल सॉल्व, इट विल कम आउट टू बी 3.5. इट इज अ नंबर. अब देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो गए, तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितना होगा, 2π × r, यानी रेडियस. अब हमारे पास टोटल राउंड कितने हैं, 3.5, यानी 3.5, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग करें, कि 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2π r, और कैसे लिख सकते हैं, कि वन राउंड में 2π r प्लस सेकेंड राउंड में 2π r प्लस थर्ड राउंड में πr. दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा कितना, दोनों ही केस में, चाहे आप इसको सॉल्व करो चाहे आप इसको सॉल्व करो, दोनों में ही रिजल्ट आएगा 7π r. अब आपको करना क्या है, आइदर डू बाय दिस और बाय दिस, जो आपको क्लियर हो. अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 100. तो देखिए बेटा, डिस्टेंस कवर्ड हो गया 2200 मीटर. सो 3.5 राउंड के बाद डिस्टेंस कवर्ड हो गया 2200 मीटर. अब बताना है इतने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. देखिए, हर राउंड के बाद फाइनल और इनिशियल पोजीशन कॉन्साइड कर रही है, यानी वन राउंड के बाद बी से स्टार्ट किया तो फिर वापस बी पर आया, वन राउंड पे डिस्प्लेसमेंट 0, सेकेंड राउंड पे भी 0, थर्ड राउंड पर भी 0, यानी थर्ड के बाद जो हाफ राउंड बचा उसमें डिस्प्लेसमेंट, यानी बी से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी, जो कि है डायामीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए बी, दिस इज डायामीटर, दिस इज 200 मीटर. सो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आफ्टर 3.5 राउंड इज 2200 मीटर, दैट इज आफ्टर अ टाइम ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर. आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि हमें इसमें बेसिकली नंबर ऑफ राउंड्स एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करना है. नाउ इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट इज, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स. यानी स्ट्रेट जो रोड है उसकी लेंथ है 300 मीटर, और इसको फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने में टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड्स. देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी.
यानी कि बी पॉइंट से वापस वो 100 मीटर चलता है और बीच में एक पॉइंट आता है सी. इस डिस्टेंस 100 मीटर को कवर करने में इट विल टेक 1 मिनट, ये लिखा है ना. देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट. व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? दो इंटरवल के लिए निकालनी है, फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी. सबसे पहले हम इसके लिए इसका एक फिगर बनाते हैं. ए बी, दिस टोटल डिस्टेंस इज गिवन टू बी. ए बी इज 300 मीटर. अब बी पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम लगता है, लेट इट बी टी वन. ये टाइम कितना लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड. जो भी हमें इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है उसे हम नोट करते हैं. बी टू सी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कवर किया इसने 100 मीटर. और बी टू सी ये है 100 मीटर, जिसको कवर करने में टाइम लगा 1 मिनट. देखिए स्टेटमेंट में गिवन है इट इज गिव कवर्ड इन अनदर 1 मिनट. तो सबसे पहले हम टी वन टाइम को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो देखिए कितना आ जाएगा. दिस विल कम आउट टू बी 150 सेकेंड. और टी टू निकालें तो ये हो गया 60 सेकेंड. यानी जो हमें डाटा गिवन था इससे हमने निकाल लिया. अब कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी. देखिए ए टू बी, अब ए टू बी जाने का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है ए बी, दैट इज 300 मीटर. अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है और इसमें कोई पाथ चेंज नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर ही है. तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो देखिए ए से बी जाने का जो डिस्टेंस 300 है और टाइम कितना है टी वन, दिस इज 150, यानी आंसर हो गया 2 सेकेंड. सो एवरेज स्पीड हो गई 2 सेकेंड. सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया. अब अगर मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो देखिए इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है और टाइम भी कोई चेंज नहीं है. ए टू बी जाने का टाइम 150 है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 300 बाय 150, यहाँ से ये आपके पास जो वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड. ये भी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड है, यूनिट इसका ध्यान रखना सेकेंड नहीं है. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम है क्योंकि ए टू बी जाने का डिस्टेंस एंड टाइम सेम है, कोई पाथ लेंथ चेंज नहीं हुआ है. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू सी फ्रॉम ए टू सी. यानी दोबारा अगर हम इसे दिखाते हैं, ए बी और ये सी, यानी ए टू सी वाया बी जाने में सबसे पहले डिस्टेंस कितना कवर होगा? डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी है 300 और बी सी है 100, तो डिस्टेंस हो गया 400 मीटर. देखो ए टू बी गिवन है स्टेटमेंट में 300, ये है 300 और बी टू सी है 100, तो डिस्टेंस हो गया. अब सबसे पहले देखिए कि इसके लिए टोटल टाइम क्या है. टोटल टाइम ए टू बी जाने का है 150 सेकेंड्स और बी टू सी जाने का 60 सेकेंड, तो ये हो गया 210 सेकेंड. ठीक है, तो अब इस इंटरवल के लिए पहले हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे. पहले इसको सॉल्व करते हैं. डिस्टेंस हो गया 400, टाइम हो गया 210. तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे 40/21, दिस इज 1.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. आपको ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पहले आपको साथ साथ टाइम भी निकालना है. तो डिस्टेंस एंड टाइम. अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट. इसको मैं अलग अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें वेरिएशन है वैल्यूज में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ए सी. टोटल डिस्टेंस 300 है, बी सी माइनस हो जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो जाएगा 200. तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 300 माइनस 100, दैट इज 200 मीटर. लेकिन
इसको कवर करने का जो टाइम होगा वो तो सेम होगा, क्योंकि पहले सी तक जाने में यहाँ से होके आया ना ए टू बी और फिर बी टू सी गया, लेकिन टाइम तो उतना ही लगेगा इसको। मेजरमेंट हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंट वे में कर रहे हैं, लेकिन टाइम विल बी अगेन 210, 150 प्लस 60। तो अब लगाइए एवरेज वेलोसिटी, इट विल बी, दिस इज योर 200 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 210, यानी 20/21, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0., डिवाइड करेंगे तो 0.9 पर जाएगा, 0.95 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है पाथ लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग फिगर से हम इसको बेटर वे में क्लियर कर पाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विल बी ए सी और डिस्टेंस विल बी ए बी प्लस बी सी। टाइम टेकन विल बी सेम, क्योंकि इनिशियल से फाइनल पॉइंट में बेशक पॉइंट क्लोज आ गए हैं लेकिन उसको आने में टाइम उतना ही लगेगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी रिड्यूस्ड बट टाइम इज सेम, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आर, यानी स्कूल तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आर है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। सो एवरेज स्पीड इज गिवन टू बी 30 किलोमीटर पर आर। What is the average speed for Abdul's trip? यानी पूरे ट्रिप में, यानी इसका मतलब अब्दुल पहले यहाँ से, यानी ये लगा लो while driving to school, अब्दुल पहले स्कूल तक गया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, पहले केस में एवरेज स्पीड है कितनी, दिस इज 20 किलोमीटर पर आर, लेट इट बी V1। ऑन रिटर्न ट्रिप एवरेज स्पीड, इसको मान लो मैं V2 ले लेती हूँ, सो इट इज योर 30 किलोमीटर पर आर। तो बताना है कि ए पॉइंट से बी, यानी स्कूल जाकर वापस आने तक की टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए कि स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट डिस्टेंस सेम है, लेट इस डिस्टेंस को मैं एक्स ले लेती हूँ, ठीक है। सो इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी स्पीड इज गिवन टू बी 20 किलोमीटर पर आर। डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने मान लो ले लिया, डिस्टेंस मैंने ले लिया x, क्योंकि मैंने दिखाया है सिंबल से x, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम को मैं ले लेती हूँ T1, यानी स्कूल तक जाने में A टू B में उसको टाइम लगा T1, तो यहाँ पर T1 क्या हो जाएगा, x अपॉन V1, यानी x अपॉन 20, क्योंकि टाइम हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों ही ट्रिप्स में टाइम निकालेंगे। अब यहाँ पर B2A, यानी रिटर्न ट्रिप पर वापसी में एवरेज स्पीड जितनी भी हो गई है उसे हमने नोट किया 30 किलोमीटर पर आर, लेकिन डिस्टेंस उस केस में, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज हेयर आल्सो सेम, डिस्टेंस तो वही रहा लेकिन टाइम मान लो हम डिनोट कर देते हैं T2 से। तो अब V2 क्या होगा, X/T2। तो अब यहाँ से T2 की वैल्यू क्या होगी, X/V2, तो X तो अननोन है बट V2 गिवन है, तो X/30, लेट इट बी इक्वेशन 2। यानी A से B और B से A पर आने में टोटल टाइम लगा T1 प्लस T2। सो टोटल टाइम हम ले लेते हैं T1 प्लस T2, ये हो गया X/20 प्लस X/30। हम इसको यहीं पर सॉल्व भी कर लेते हैं एलसीएम लेके। जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2x, तो टाइम हो गया 5x/60। मैंने इस स्टेप को यहीं सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड बतानी है पूरे ट्रिप की, तो एवरेज स्पीड के लिए बेटा जब ए से बी गए यानी स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट और वापसी आए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, ए बी प्लस बी ए। ए बी को मैंने बताया एक्स है तो बी ए भी एक्स है, क्योंकि डिस्टेंस तो पाथ लेंथ है, तो डिस्टेंस हो गया 2x। टोटल टाइम टेकन हमने निकाल लिया है, तो अब लगाइए फॉर्मूला एवरेज स्पीड, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड थ्रू द टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस हो गया 2x और टाइम टेकन हो गया
5x by 60. तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल, 2 इंटू 60 अपॉन 5, ये हो गया. दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज 24 किलोमीटर पर आवर. सो टोटल टाइम टेकन इज 24 किलो, टोटल एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि स्टार्टिंग ट्रिप में एवरेज स्पीड अलग है, फाइनल रिटर्न ट्रिप में एवरेज स्पीड अलग है, तो हम इसमें इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं कि हम मीन ले लें v1 प्लस v2 बाय 2. यूजुअली स्टूडेंट्स को ये नोशन रहता है कि दो स्पीड गिवन है तो v1 प्लस v2 बाय 2 कर दो, दैट विल नॉट गिव यू आंसर. इस तरह के न्यूमेरिकल में यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड. तो सबसे पहले दोनों ही केसेस में हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करके टाइम निकालते हैं, फिर उसके बाद दोनों ही केस में हम टोटल टाइम निकाला, टोटल डिस्टेंस निकाल के फिर बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन, एंड हैंस इट विल कम आउट टू बी 24 किलोमीटर पर आवर. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज बेस्ड अपॉन इक्वेशन ऑफ मोशंस. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टाइप. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट इमेजिन दिस केस ऑल्सो कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आइडेंटिफाई द क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सिलरेशन. With what velocity will it strike the ground? यानी ground पर hit करते हुए उसकी velocity क्या होगी? And after what time will it strike the ground? यानी basically अगर मैं इसको figure form में convert करूँ, a ball is dropped from point A covering a height of 20 meter. अब यहाँ पर जब भी body को हम drop करते हैं तो initial speed हमेशा 0 होती है और वेलोसिटी इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा. कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखिए ये जो लाइन है, वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. यानी यहाँ पहुँच कर स्पीड क्या है और यहाँ आने में कितना टाइम लगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस कौन कौन सी हैं. हमारे पास है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as. तो देखिए क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. इसमें s की वैल्यू यानी डिस्टेंस आपको गिवन है, नोट कर लेते हैं. s गिवन है 20 मीटर, एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. अच्छा अब वेलोसिटी u इनिशियली गिवन है तो वन फैक्टर मिसिंग है, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं. तो देखिए v स्क्वेयर माइनस 0, u की वैल्यू 0 है, 2 इंटू 10 इंटू 20. तो v स्क्वेयर सॉल्व करेंगे ये हो गया 400. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 20 स्क्वेयर. तो वेलोसिटी ग्राउंड पर यानी हिट करते टाइम इसकी वेलोसिटी, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर, और डायरेक्टली भी टेकिंग स्क्वायर रूट करते तब भी ये आ जाता 20 मीटर पर सेकेंड. ये तो मैथ्स की कैलकुलेशन है. तो ग्राउंड पर हिट करते टाइम इसकी वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड. अब क्या फाइंड करना है? अब आपको निकालना है कितने टाइम के बाद ये हिट किया. तो यहाँ पर डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन, क्वाइट ईजी कैलकुलेशन हैं. वी इक्वल टू u प्लस at. फाइनल स्पीड हमने निकाल ली है 20, आप मेंशन कर लो पहले. v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, u क्योंकि ड्रॉप है तो रेस्ट से स्टार्ट है 0, एक्सेलरेशन भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है. तो पुट कीजिए वैल्यू 20 इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू टी. तो 20 हो गया 10 इंटू टी, टी टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड. सो इट मीन्स आफ्टर टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स इट विल द बॉल विल हिट द ग्राउंड एंड ऑन हिटिंग इट इट विल हैव अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको तीनों इक्वेशंस में सबसे पहले ये चेक करना है कि जिस भी इक्वेशन के मैक्सिमम डाटा आपको गिवन है उनको यूज़ करना है. यानी एक्चुअली हमें वो इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें सिर्फ वन अननोन है. जैसे इस इक्वेशन में सिर्फ v अननोन है, इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ t अननोन है.
आप चाहते तो इक्वेशन ये भी यूज कर सकते थे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ यूज करते तब भी t निकल जाता। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, ये भी यूज हो सकती है, ये भी यूज हो सकती है। सो नाउ फॉर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, सबसे पहले तीनों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, उसको साइड पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि कौन सा गिवन डेटा है। सो ये तो हो गए कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने एनसीईआरटी के कवर किए हैं। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।